और चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, दरअसल बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी का टिकट कट गया है। लेकिन नॉमिनेशन के बाद उनका टिकट काट दिया गया है। 1 मई को श्रीकला रेड्डी ने नॉमिनेशन फाइल किया था, लेकिन अब उनका टिकट काट दिया है बीएसपी ने और श्याम सिंह यादव को टिकट दिया गया है। श्याम सिंह यादव जिनको प्रत्याशी बनाया गया है, वो मौजूदा सांसद भी हैं वहां से, और वो अब ये कह रहे हैं कि मुझे ज्योतिषी ने बताया था कि मैं एमपी बनूंगा। और श्रीकला रेड्डी का टिकट कटने के बाद धनंजय सिंह या उनकी पत्नी की ओर से कोई बयान अभी तक सामने नहीं आया है। टिकट काटने का कारण क्या है, क्या कोई बातचीत हुई थी टिकट काटने से पहले, कोई जानकारी दी गई थी, किस वजह से टिकट काटा गया है, इसकी अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। लेकिन ये जरूर पता चल रहा है कि श्याम सिंह यादव जो मीडिया से भी बात कर चुके हैं इसको लेकर, उनको टिकट अब बीएसपी देगी। तो आपको बता दें कि धनंजय सिंह की पत्नी का टिकट कट गया है, श्रीकला अब चुनाव नहीं लड़ेगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उनकी जगह श्याम सिंह यादव को टिकट दिया गया है। बीएसपी के नए प्रत्याशी श्याम सिंह यादव होंगे, अब श्रीकला चुनाव नहीं लड़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, श्रीकला अब चुनाव नहीं लड़ेंगी। धनंजय सिंह की पत्नी जिनका टिकट कट गया है जौनपुर में, बीएसपी ने अपना उम्मीदवार बदल लिया है। श्रीकला धनंजय सिंह का टिकट कट गया है, श्याम सिंह यादव को उम्मीदवार बनाया है। निवर्तमान बीएसपी सांसद है श्याम सिंह, पहले श्रीकला को बनाया गया था, अब बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी है उम्मीदवार। तो श्रीकला अब चुनाव नहीं लड़ेंगी, श्याम सिंह यादव चुनाव लड़ने वाले हैं। आपको बता दें बीएसपी के नए प्रत्याशी श्याम सिंह यादव कह रहे हैं कि उन्हें पहले कि इस बार वो सांसद बनेंगे। ये एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि जब उनसे पत्रकार बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि ज्योतिष ने कहा था कि इस बार सांसद बनूंगा। श्याम सिंह यादव बीएसपी के नए प्रत्याशी जौनपुर से, जिन्होंने कहा कि ज्योतिष ने पहले ही कह दिया था कि मैं इस बार सांसद बनूंगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, देखिए किस तरीके से जौनपुर में प्रत्याशी को बदल दिया गया। ज्योतिषी की भविष्यवाणी है कि अगला एमपी, वो महीनों पहले कह दिया था कि अगला एमपी जौनपुर का आपको ही होना है देख करके। तो मैंने कहा जब मुझे टिकट ही नहीं मिला तो मैं एमपी कैसे होऊंगा। तो उसने कहा कि अब इसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरा गणित, मेरी विद्या यही कहती है, मुझे लगता है कि सही होती दिख रही है मुझे। क्योंकि 1 बजे मुझे एकाएक माननीय भांजी का टेलीफोन आया और मुझे कहा गया कि मैं आपको लड़ा रही हूँ। और अगली बड़ी खबर झारखंड की राजधानी रांची से, जहां ईडी की दबिश चल रही है, लगातार कैश की बरामदगी हो रही है। एक और ठिकाने पर ईडी ने दबिश डाली है, मुन्ना सिंह जो बिल्डर हैं उनके पीपी कंपाउंड स्थित ठिकाने पर छापे मारी पड़ी है। मुन्ना सिंह के बारे में बताया जा रहा है कि जो संजीव लाल हैं, जो आलमगीर आलम के ओएसडी थे, उनके बेहद करीबी हैं मुन्ना सिंह और पेशे से बिल्डर हैं मुन्ना सिंह। उनके घर पर ईडी की दबिश पड़ी है और बताया जा रहा है कि उनके घर से भी कैश की बरामदगी हुई है। तो लगातार देखिए, मंत्री के करीबी आलमगीर आलम के ओएसडी हैं संजीव लाल और उनके करीबी मुन्ना सिंह, उनके घर पर भी ये छापेमारी चल रही है और पीपी कंपाउंड स्थित घर पर रेड पड़ी और करोड़ों की बरामदगी भी हुई है। तो रांची में अलग अलग जगहों पर कैश मिलने का सिलसिला जारी है। हमने तस्वीर आपको दिखाई कि और भी कैश मिला है और इस बीच जानकारी यह मिल रही है कि नोट गिनने के लिए मशीन तक लगा दी गई है। नोटों का बंडल इतना ज्यादा है, गड्डी इतनी ज्यादा है नोटों की कि उसे गिनने के लिए मशीन मंगाई गई है। और रांची में जो कैश बरामद हुआ है, अब तक 25 करोड़ से ज्यादा का कैश मिला है। और अभी ये पता चल रहा है कि मंत्री आलमगीर आलम के पीएस के करीबी के घर पर कैश मिला है। लगातार छापेमारी का सिलसिला जारी है और कैश मिल रहा है। चुनाव के समय सवाल यह है कि आखिर इस कैश का इस्तेमाल कहां किया जाना था। अब तक 25 करोड़ कैश मिला है और छापेमारी की कार्यवाही अभी भी जारी है। नोट इतने ज्यादा है कि गिनने के लिए मशीनें मंगाई गई हैं। तो नोट गिनने के लिए मशीनें मंगाई गई हैं। ये तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं झारखंड की, जहां पर रांची में कैश मिला है और केवल कैश ही नहीं बल्कि गोल्ड भी बरामद किया गया है।
और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रांची में ईडी की छापेमारी जारी है। छापे में कैश के साथ साथ कई दस्तावेज। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देखिए 25 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद हुआ है, कई महंगे आभूषण भी उसमें है और अब छापेमारी में कैश के साथ साथ कई दस्तावेज भी मिले हैं, जो जानकारी मिल रही है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, रांची में बहुत बड़ा छापा, ईडी की तरफ से छापा मारा गया है, छापे में कैश के साथ कई दस्तावेज भी मिले हैं। तो देखिए, रांची में कांग्रेस नेता आलमगीर आलम के करीबी के घर पर कैश लूट मिला। जी हां, ईडी की कार्रवाई में अब तक 25 करोड़ से ज्यादा कैश मिल चुका है और जो आंकड़ा, ये आंकड़ा कहां जाकर रुकेगा ये बताना भी मुश्किल हो रहा है। इतना कैश मिलने के बाद से ईडी के अधिकारियों के को नोट गिनने के लिए मशीनें मंगानी पड़ी है। पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। नोट गिनते गिनते मशीनें गर्म हो गई, कैश इतना की जगह कम पड़ गई, नोटों की गड्डियां इतनी कि दीवार खड़ी हो गई, 500-500 के नोटों के बंडल इतने हैं कि एक आदमी ने कभी सपने में भी नहीं देखे होंगे, ज्वेलरी इतनी कि एक शोरूम खुल जाए। झारखंड में एक बार फिर काली कमाई का कुबेर मिला है और नोटों का यह पहाड़ झारखंड सरकार में मंत्री आलमगीर के करीबी के घर पर मिला है। कैश लोक की ये तस्वीरें सिर्फ एक जगह की नहीं है, रांची में ईडी की कार्रवाई कई जगहों पर चल रही है। आलमगीर झारखंड सरकार में मंत्री हैं और उनके करीबी के घर से अब तक 25 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद हो चुका है। इसके अलावा सोने चांदी की ज्वेलरी बरामद हो चुकी है। रेड के दौरान जब ईडी के अधिकारी मंत्री के करीबी के घर पहुंचे तो नजारा देखकर वो भी भौचक्के रह गए। अधिकारियों ने जब घर की तलाशी लेनी शुरू की तो एक एक कर नोटों के बंडल निकलने शुरू हो गए और देखते ही देखते इतने बंडल हो गए कि पूरा कमरा ही सिर्फ नोटों से भर गया। नोटों के इतनी गड्डियां थी कि पूरी की पूरी दीवार खड़ी हो जाए। ये सिर्फ एक जगह से मिला कैश और ज्वेलरी है। ईडी की कार्रवाई कई जगहों पर मिल रही है और आशंका जताई जा रही है कि अभी ये नोटों की गिनती रुकने वाली नहीं है। जो तस्वीरें सामने आई है उसमें कुछ महीने पहले की वो यादें ताजा हो गई, जब कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू का कैश लोक सामने आया था। साहू के कैश लोक से 350 करोड़ के करीब कैश मिला था। धीरज साहू के पास से मिले कैश को गिनने के लिए भी कई मशीनों को मंगाना पड़ा था। पैसा इतना था कि ईडी के अधिकारियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। अब कांग्रेस सरकार में मंत्री आलमगीर के करीबी के घर जो कार्रवाई हो रही है वो कब तक चलती है और पैसों का आंकड़ा कहां जाकर रुकता है ये कोई नहीं जानता। इससे पहले भी कई जगह पर भ्रष्टाचारियों पर एक्शन हुआ है। रिपब्लिक भारत से बात करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है कि देश ने अब भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मन बना लिया है। किसी मंत्री के घर से 51 करोड़ रुपया कैश मिलती है, गिनते गिनते सारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कैश काउंटिंग मशीन गर्म हो जाते हैं, दूसरे लाने पड़ते हैं, भरने के लिए टेम्पो लेकर जाना पड़ता है, कौन जिम्मेदार है उसका? इतना रैम्पड करप्शन किसके नेतृत्व में हो रहा है? वो कहते हैं सब षड्यंत्र है अमित शाह जी, सब षड्यंत्र कहते हैं। ऐसे 51 करोड़ रुपया इनके मंत्री के घर से मिलते हैं। झारखंड में कांग्रेस के एमपी के घर से 351 करोड़ रुपया मिलता है और फिर कहते हैं षड्यंत्र है। तो आप क्या कर रहे थे? षड्यंत्र था तो कौन रख गए आपके घर पे? और ये सिर्फ पैसा नहीं मिला है, किस प्रकार से नौकरी देने में घूस खाई गई इसका पूरा कच्चा चिट्ठा आज एजेंसियों के पास में उपलब्ध है, हाईकोर्ट के सामने पेश किया गया है।